पक्ष का बहुत महत्व होता है क्योंकि इस महीने की चतुर्थी तिथि को एक ऐसे व्रत का विधान है जो सुख समृद्धि की बरसात करता है, गणपति का विशेष वरदान देता है। इस बार ये दिन बुधवार 13 मार्च को पड़ा है और इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। 13 मार्च को देर रात 12:48 तक इंद्र योग रहेगा, साथ ही बुधवार को शाम 6:24 तक रवि योग रहने वाला है। इसके अलावा बुधवार को शाम 6:24 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। कुल मिलाकर ये दिन शुभता की पराकाष्ठा पर है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी मान्यता की वजह से खासतौर पर महिलाएं चतुर्थी व्रत करती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इस दिन की क्या मान्यता है और ये क्यों मनाई जाती है। चतुर्थी का व्रत सुख समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को रखता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान श्री गणेश के पंचमुखी हेरम्ब रूप की पूजा करने का विधान है जिसमें गणपति शेर पर बैठे नजर आते हैं। चतुर्थी की कहानी क्या है, इसे क्यों मनाते हैं, चलिए जानते हैं। सनातन धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा और शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन एक समस्या थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो ये निर्णय ले सके कि कौन जीता और कौन हारा। तब माँ ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें जान फूंक दी। फिर शिव जी और माता पार्वती ने खेल शुरू किया और हर बार माँ ने भोलेनाथ को हरा दिया। फिर भी अंत में उस लड़के ने भगवान शिव को इस खेल का विजेता बताया। इस बात से माँ क्रोधित हो गई और उस लड़के को लंगड़े होने का श्राप दे दिया। लड़के ने क्षमा याचना की तो माता ने कहा कि इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसका एक उपाय माँ ने बताया कि अगर लड़का संकष्टी के दिन यहाँ आने वाली कन्याओं से व्रत का विधान पूछकर पूरे विधि विधान से व्रत करे तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उस लड़के ने व्रत किया और भगवान श्री गणेश ने खुश होकर उसके कष्ट हर लिए। धर्म के जानकारों के मुताबिक चतुर्थी पर व्रत करने के साथ ही किसी गणेश मंदिर जाएं और भगवान गणेश को दूर्वा के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। पूजा में शमी के पत्ते, चावल, फूल, सिंदूर चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा का जोड़ा बनाकर चढ़ाना चाहिए। 22 दूर्वा को एक साथ जोड़ने पर दूर्वा के 11 जोड़े तैयार हो जाते हैं। ये 11 जोड़े पूजा में चढ़ाएं। पूजा के लिए किसी मंदिर के गार्डन में उगी हुई या किसी साफ जगह पर उगी हुई दूर्वा लेनी चाहिए। पूजा में इस्तेमाल करने से पहले दूर्वा को साफ पानी से धो लेना चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय गणेश जी के 11 नाम मंत्रों का भी जप करना चाहिए। चतुर्थी पर व्रत करने के साथ ही किसी गणेश मंदिर जाएं और भगवान गणेश को दूर्वा के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। विनायक चतुर्थी पूजा के शुभ मुहूर्त के समय आप गणेश जी का जल से अभिषेक करें, उसके बाद उनको फूल, माला, चंदन, हल्दी, वस्त्र, जनेऊ आदि से सुशोभित करें। अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, नारियल, फल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी के मस्तक पर दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा की 5 या 21 गांठ चढ़ा सकते हैं। पूजा के समय गणेश चालीसा और विनायक चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें, फिर विधि पूर्वक गणेश जी की आरती करें। बुधवार का दिन भी गणेश जी की पूजा का है, ऐसे में विनायक चतुर्थी और बुधवार व्रत का सुंदर संयोग बना है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो वो स्नान और पूजा पाठ के बाद दान करें। आप चाहें तो हरे वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान कर सकते हैं। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे भी ग्रह दोष दूर होता है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।